पेशी थी, लेकिन 10 बजे वो पेश नहीं हुए। 1.5 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आशीष मिश्रा का कोई अता पता नहीं है। हम आपको बता दें कि आशीष मिश्रा अब तक जांच टीम के सामने पेश नहीं हुए हैं। हालांकि परिवार वालों ने दावा किया है कि आज ही आशीष मिश्रा पेश होंगे, लेकिन जांच टीम के सामने यानी कि क्राइम ब्रांच के सामने 10 बजे आशीष मिश्रा की पेशी होनी थी। आशीष मिश्रा के परिवार का कहना है कि वो लापता नहीं हुए हैं। आशीष के चचेरे भाई ने आज तक से बातचीत की है। आशीष के भाई का कहना है कि वो शाम तक SIT के सामने जरूर पेश होंगे। आशीष मिश्रा के भाई अमित मिश्रा हमारे साथ में है। ये बताइए, लगातार बोला जा रहा है कि आशीष मिश्रा यहाँ पर नहीं है, समन का नोटिस बिछा हुआ है, कहाँ पर है इस वक्त आशीष? नहीं, ये अभी हम लोगों को भी जानकारी नहीं है। वो बनवीरपुर से फिर कहाँ गए हैं, क्या है, या बनवीरपुर में ही है, अभी ये हम लोगों को भी कंफर्म नहीं है। हम लोगों का अभी 2 दिन से संपर्क नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि वो बाहर चले गए हैं, लखीमपुर खीरी से नेपाल की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये जो भी कह रहा है वो तो मनगढ़ंत है। मन में आदमी अपने मन से कुछ भी कह सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि नेपाल या कहीं था। पुलिस ने 10 बजे का वो एक्सपायर हो चुका है, हाथ में दिया है, तो आदमी कहाँ है, किस उसमें है। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लखीमपुर बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कब तक आने की उम्मीद है? अब उम्मीद तो आज ही की है कि आप थोड़ा देर सवेर हो सकता है, बाकी लेकिन हर हालत में पेश होंगे। वहाँ पेश होंगे, क्या उनके पास में साक्ष्य मौजूद है, एविडेंसेस की बात हो रही है? बार बार वो कह रहे वो घटना स्थल पे नहीं थे। साक्ष्य सब दिए जा चुके हैं, कार्यक्रम स्थल पे वो थे, घटना स्थल पे नहीं थे। ये दो जगह एक साथ कैसे हो सकता है? उस दिन वो कहाँ पर? उस दिन वो बनवीरपुर में जो कार्यक्रम स्थल था, जहाँ पे दंगल चल रहा था, वहाँ पे मौजूद। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि वो उस गाड़ी में थे, वीडियो जो बाहर आया है, आदमी दिखाए ना। अगर कहने से क्या होता है, कहने का हम कह रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी भी बैठे थे, क्या ऐसे क्या कहने से किसी मान लिया गया? एक फोटो दिखाओ, एक साक्ष्य दिखाया, आदमी ऐसे कह दिया और ऐसे थोड़ी ना मान लिया जाए। सवाल बार बार हो रहा है कि इतना समय हो गया, आ करके अपने बयान क्यों नहीं दर्ज कराए, जब लगातार उनका नाम अब बुलाया गया है। आप लोग अभी तक आए, बयान लेते रहे, कहीं छुपे तो नहीं? मंत्री जी ने भी दिया बयान। तो 2 दिन से कहाँ है? 2 दिन से तो नहीं दिखाई दे रहा। 2 दिन से आदमी की इधर तबीयत भी, वही मैं बता रहा हूँ कि उसको इधर वायरल भी हो गया है, और उसके अलावा इधर थोड़ा सा देखिए, कुछ भी हो, एक छोटा सा भी मैटर हो जाता है, घर में किसी के साथ हो जाता है, तो सब लोग थोड़ा सा मेंटली भी एक स्ट्रेस होता है, वायरल भी है उसके। एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आवेदन देंगे क्या, या वो किसी तरीके से? नहीं, अगर बेल की जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल दी जाएगी। वैसे तो बाकी कहीं कुछ है ही नहीं, तो एक जबरदस्ती का बना दिया गया है इशू, कि केवल एक राजनीतिक स्टंट इसको बना रहे हैं इस टाइम, चूंकि ये चुनाव आ गए हैं, तो बस और कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ कांग्रेस बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है और कहीं कुछ नहीं है। तो कांग्रेस की क्या आपको साजिश लग रही है? बिल्कुल है साजिश। लेकिन जो वीडियो में दिख रहा है वो क्या चीज दिख रहा है? वीडियो में जो दिख रहा है, बार बार विपक्ष देख रहा है कि वो बराबर खूब लाठियों से मारा गया है, उन लोगों ने हत्या करी है। हमारे खिलाफ कोई अगर एविडेंस हो तो बताइए। हमारे तो आशीष तो छोड़िए, हमारे घर का एक भी, कोई भी घर का बच्चा या कोई भी सदस्य भी अगर वहाँ पे कोई पाया गया हो तो बता दे। आदमी खाली थार, वो चला तो, वो थार गाड़ी चला कौन रहा था? वो ड्राइवर हरिओम था, जो जिसकी मृत्यु हो गई, वही चला। आज आएंगे, पहुंचेंगे लखीमपुर, बिल्कुल पहुंचेंगे।